दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि बिहार टीईटी के वेबसाइट पर जो रिजल्ट और स्क्रूटनी के लिए लॉगिन पोर्टल था वो काम नहीं कर रहा था, वहां से डाटा हटा लिया गया था। जब आप वहां पे अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के क्लिक करते थे तो वो इनवैलिड बता रहा था, लेकिन आज वो फिर से बैक टू नॉर्मल हो गया है। आज फिर से अगर आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो वही पोर्टल है जहाँ पर कि आपने पहले देखा था, bscbonline.net और biharboard.ac.in। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फिर से रिजल्ट देख सकते हैं। और इसमें ऐसा क्यों किया गया था, किस लिए इस रिजल्ट को हटाया गया था, क्या उसमें कुछ चेंजेज आई है, इस तरीके की कोई बात नहीं बताई गई है। हालांकि मैंने भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का चेक किया तो उसमें रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आई है। और साथ में जो उन्होंने ओएमआर सीट और स्क्रूटनी के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उसके बारे में भी, उस पर भी कोई अपडेट नहीं आया है इस चेंजेस के बाद से, मतलब कल से आज तक के बीच में। लेकिन बस ये हटाया गया था और फिर से वापस जो है ले आया गया है। तो इस ये क्यों किया गया था, क्या बोर्ड में कुछ मेंटेनेंस चल रही थी या डाटा में जो है वहाँ पे सर्वर में कुछ प्रॉब्लम था, जिस भी कारण से था ये बोर्ड ये इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया है, कोई भी बात नहीं बताया है। लेकिन डाटा फिर से आ गया है और जिस तरीके से आपको पहले दिखता था उसी तरीके से अब आप फिर से आप उसको देख सकते हैं। और स्क्रूटनी का भी जो पोर्टल है तो स्क्रूटनी के लिए भी अब जैसा कि डेट बढ़ गया है, मतलब कल से 5 से फिर से अप्लाई होगा और 5 से 9 के बीच में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में फिर से स्क्रूटनी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो टाइम वहां पे दिया गया है। तो यही अपडेट है दोस्तों, आप फिर से रिजल्ट सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और कारण पता नहीं चल पाया है और कि क्यों हटाया गया था फिर डाला गया है, उसमें क्या कुछ चेंजेस किया गया है। हमने जहां तक चेक किया तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आप भी अपना चेक करके यहाँ पे कमेंट में बताइए कि अगर आपको कुछ परिवर्तन लग रहा है तो। जहां तक मुझे लगता है कि बोर्ड में कुछ वेबसाइट में मेंटेनेंस के काम चल रही होगी, हालांकि कुछ बोला नहीं गया है, या वहां पे किसी भी तरीके की अंदर में सर्वर का कुछ प्रॉब्लम होगा, इश्यूज होगा जो भी कारण से, या उनको रिजल्ट का कुछ भी वहां पे लिंक का प्रॉब्लम होगा तो उस वजह से हटाया गया होगा, फिर से इसे डाल दिया गया है। तो चलिए, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया है और आगे कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, जय हिंद।